अभी अभी नरेंद्र मोदी सरकार के 72 घंटे पूरे हुए हैं, 72 घंटे यानी 3 दिन। लेकिन इन 3 दिनों में सरकार ने जिस स्पीड से फैसले लिए हैं या फैसले लेने के संकेत दे दिए हैं वो अपने आप में काबिले गौर है। इन 3 दिनों के अंदर सरकार ने 2 कैबिनेट बैठकें की हैं, दोनों में अहम फैसले किए हैं। आज सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार का एजेंडा तय कर दिया, 10 पॉइंट का एजेंडा तय किया है और डेडलाइन भी है, मंत्रियों को 100 दिन का वक्त दिया है ये बताने के लिए कि वो आगे क्या करने वाले हैं, उनकी आगे की रणनीति क्या है। हमारे देश में हर चीज के लिए कायदे कानून है लेकिन उन पर अमल नहीं था, जिसकी वजह से जहां देखो घूसखोरी और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऐसी हालत में हम कुछ भी करें, कैसी भी सरकार चलाएं, कोई फायदा नहीं। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि हमारे राज्य में कहां क्या गलत हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, ताकि हम गिल्टी को सजा दे सके और गलतियां सुधार सके। लेकिन इन लोगों को इस तरह की धांधलबाजी करने की हिम्मत कहां से आती है? मंत्रियों से फिल्म नायक की ये तस्वीर आप सबके जहन में आज भी ताजा होगी कि कैसे फिल्म में अनिल कपूर सत्ता और सिस्टम के खिलाफ संघर्ष करते हैं। कुल मिलाकर 12 बागड़ बिल्ले हैं, इन बागड़ बिल्लों को क्या करना चाहिए? पिंजरे में डाल देना चाहिए। डाल दो। लेकिन आज के हिंदुस्तान की तस्वीर थोड़ी बदली बदली है। यहाँ सत्ता और सिस्टम के खिलाफ कोई खड़ा नहीं है, बल्कि सत्ता में रहकर उसके कामकाज को बदलने और सिस्टम को ढर्रे पर लाने की कोशिश में जुटा है। पिछले 72 घंटे में नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज को देखकर ऐसा ही लगता है। नरेंद्र मोदी सरकार के 3 दिन और आज दूसरी कैबिनेट मीट थी। इस मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के लिए 10 सूत्री एजेंडा तय कर दिया है, जिसमें पारदर्शिता और टाइम बाउंड वर्क सबसे आगे है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जल को प्राथमिकता दी गई है, तो साथ ही इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्प्यूट को किसी भी तरह से पीछे नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि पिछली सरकार में इसी वजह से कई प्रोजेक्ट लटके रहे। मोदी सरकार ने 10 एजेंडे तय किए हैं। पहला, मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल हो। दूसरा, नौकरशाहों में विश्वास पैदा किया जाए। तीसरा, नए विचारों और सुझावों का स्वागत हो। चौथा, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाई जाए। पांचवा, शिक्षा, सेहत, पानी, ऊर्जा, सड़कों को प्राथमिकता दी जाए। छठा, टेंडर और सरकारी कामों में ई ऑक्शन को बढ़ावा दिया जाए। सातवां, सरकारी नीतियों में निरंतरता और स्थायित्व हो। आठवां, समय पर योजनाओं को पूरा किया जाए। नौवां, जनता से किए वादे पूरा करने का सिस्टम बनाया जाए। और दसवां, अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री ने इन्हें लागू करने के लिए मंत्रियों को 2 टूक हिदायत दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने मंत्रियों से 100 दिन के भीतर ये बताने को कहा है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने जिन्हें ये विषय भी कहा है, पहला 100 दिन में हर एक मंत्री अपना अपना टाइम टेबल तय करे, प्राथमिकता क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी, और जो इश्यूज पेंडिंग है डिपार्टमेंट में पुराना सरकार के कारण से हो और भी कारण हो, उसको प्रायोरिटी देके तुरंत उसका समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मोदी का जोर जनता को ये एहसास कराने का है कि ये उनकी सरकार है, और इसी मकसद से उन्होंने मंत्रियों को परिणाम देने को भी कहा है। मुख्य मुद्दा उन्होंने कहा गवर्नेंस, सुशासन, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसके ऊपर लोग प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। दूसरा विषय उन्होंने कहा डिलीवरी, डिलीवरी इज इम्पॉर्टेंट। और तीसरा विषय उन्होंने कहा उसके साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन। पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के बीच कामकाज को लेकर काफी खींचतान थी। वाजपेयी की एनडीए सरकार के समय भी ऐसी दिक्कतें थीं, लेकिन इस बार तस्वीर साफ कर दी गई है। सरकार में राज्य मंत्री अक्सर अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं,
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को हिदायत दी है कि वे अपने राज्य मंत्रियों को तरजीह दें। जाहिर है मोदी की नीति है सबका साथ और सबका विकास, और यह नीति कैबिनेट पर भी लागू होता है। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। पुरानी सरकार पर आरोप लगते थे पॉलिसी पैरालिसिस के, और ये सिर्फ विपक्षी दल नहीं लगाते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी लगाए थे। और तीन दिन के अंदर प्रधानमंत्री इस बार वो सब बदल देना चाहते हैं। इन तीन दिनों के अंदर बड़े फैसले लिए गए हैं, और यही वजह है कि मोदी के कामकाज को और उसकी स्पीड को देखकर कई लोग कह रहे हैं कि पीएमओ का खास तौर पर मोदीफिकेशन हो रहा है। साफ है, अंदाज वही है, लेकिन सब कुछ बदल रहा है। छब्बीस मई को मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 45 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। लेकिन 27 और 28 मई को मोदी सरकार ने जितने फैसले लिए और जिस तरह से लिए, वो हैरत में डालते हैं और उसके कामकाज की वानगी भी पेश करते हैं। पहले ही दिन मोदी सरकार ने काले धन के मुद्दे पर एक्टिव होते हुए एक एसआईटी का गठन कर दिया। मंगलवार को कैबिनेट की पहली बैठक के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक काले धन पर विशेष जांच दल गठित करने का फैसला किया। विदेशों में जमा ब्लैक मनी के बारे में सार्थक कार्रवाई करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एमबी शाह एसआईटी की अध्यक्षता करेंगे, जबकि जस्टिस अरिजीत पसायत एसआईटी के वाइस चेयरमैन होंगे। 23 मई को सुप्रीम कोर्ट ने काले धन के मामले में एसआईटी के गठन के लिए सरकार को एक हफ्ते का समय दिया था। काले धन का मुद्दा लंबे वक्त से उठाते रहे योग गुरु बाबा रामदेव ने जी न्यूज के कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता में कहा कि नरेंद्र मोदी ने एसआईटी बनाकर अच्छी शुरुआत की है, लेकिन वो चाहेंगे कि मोदी सरकार इस पर कोई डेडलाइन भी तय करे। हम जल्दी ही मोदी जी से मिलने वाले हैं जी, और मिलकर के इस बारे में एक सुनिश्चित समय में बड़ी कार्रवाई हो, उसके लिए हम उनसे बात करेंगे। मोदी सरकार के एक्शन में आते ही रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया और टिकटों की धांधली और मारामारी से निजात दिलाने के लिए देश भर के रेलवे टिकट सर्विस एजेंट्स के लाइसेंस रद्द कर दिए। रेलवे बोर्ड का दावा है कि इस फैसले से टिकटों की कालाबाजारी पर काफी हद तक लगाम लगेगी, यानी माना जा सकता है कि ट्रेनों में अच्छे दिन आने की शुरुआत हो गई है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के पूर्व चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्रमुख सचिव बनाए जाने का फैसला किया। नृपेंद्र मिश्र को मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी कर नियुक्त किया है। नृपेंद्र मिश्र 1967 बैच के यूपी कैडर के आईएएस हैं और 2009 में रिटायर हो चुके हैं। मिश्र की इमेज एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की रही है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर मुकुल रोहतगी देश के नए अटॉर्नी जनरल होंगे। रोहतगी 1999 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। अटॉर्नी जनरल के पद से गुलाम वाहनवती ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था। बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में दो नियुक्तियां की गई। दो वरिष्ठ अधिकारियों भरत लाल और एके शर्मा को पीएमओ में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। भरत लाल 1998 बैच के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अधिकारी हैं और गुजरात के रेजिडेंट कमिश्नर के तौर पर रह चुके हैं। वहीं एके शर्मा गुजरात सीएम के सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं, यानी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तब एके शर्मा उनके सचिव हुआ करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2014 के आम चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार, और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को साफ शब्दों में नसीहत दी है कि वो अपने करीबियों को, अपने रिश्तेदारों को मंत्रालयों से दूर रखें ताकि किसी भी दाग से बचा जा सके, क्योंकि नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि राजनीति में दाग अच्छे नहीं होते। और आपके पास काम करने के लिए सिर्फ 5 साल होंगे, 60 महीने होंगे, करीब 1800 दिन होंगे, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उम्मीदें बहुत ज्यादा हों तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल में 15 वर्ष का काम करना पड़ेगा। देखिए, इसमें आपका ये विचार आपको आना दोष नहीं है आपका, क्योंकि 10 साल आपने इतना बुरा देखा है, इतना बुरा देखा है, अच्छा देखने की हिम्मत आप भी नहीं कर पा रहे। 125 करोड़ देशवासी एक कदम चले ना तो देश
125 करोड़ कदम आगे चले जाएगा, इसलिए मुझे निराशा नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला तो पूरे देश के मन में एक ही सवाल था कि आखिर देश के नए पीएम के पास वो कौन सी ट्रिक है जिससे सबके अच्छे दिन आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि यूपीए सरकार को 60 साल दिए, उन्हें सिर्फ 60 महीने चाहिए। अच्छे दिन आएंगे या नहीं ये तो अभी भी नहीं कह सकते, लेकिन बीते 3 दिनों में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से फैसले लिए हैं उनसे अच्छे दिनों की आहट तो जरूर महसूस होने लगी है।